लोग अक्सर इस बात पर चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे वो नहीं करते जो उनसे करने को कहा जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि सामान नहीं फेंकना तो वो सामान जरूर फेंकेगा। अगर उनसे कहा जाए कि गंदगी नहीं करनी है तो वो गंदगी जरूर करेंगे। बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं, ये उनका बचपना है। लेकिन देश में ऐसे वयस्क लोगों का क्या किया जाए जो आज भी वही करते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया जाता है। हाल ही में दिल्ली के राजपथ का रिनोवेशन हुआ और वो कर्तव्य पथ बन गया। वह पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही देश को इस नए कर्तव्य पथ की सौगात दी थी। लेकिन इस कर्तव्य पथ पर चलकर देश के कुछ नागरिक अपना कर्तव्य भूल गए हैं। अपने अधिकार की चिंता सभी को है, लेकिन कर्तव्यों का पालन कोई नहीं करना चाहता। और जिस कर्तव्य पथ पर घूमने के लिए लोग पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं उसकी ये हालत देखकर बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की सफाई नहीं होती है, दिन रात सफाई कर्मी यहाँ लगे रहते हैं, लेकिन जब यहाँ आने वाले लोग ही अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो सफाई कर्मी कितनी भी सफाई कर लें गंदगी नजर आएगी। देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने वाला ये कर्तव्य पथ आज कुछ नागरिकों की लापरवाही की वजह से कचरा पथ बनता जा रहा है। कहीं गुटखे के रैपर पड़े हैं, कहीं चिप्स के पैकेट पड़े हैं, यहां वहां लोगों ने थूका हुआ है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ, गंदगी फैलाने में इतने अनुभवी हैं कि दीवार के जरा से छेद में भी कूड़ा फंसा देते हैं। इस जगह को लोगों को उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए बनाया गया है। आज वहीं पर लोग अपना कर्तव्य भूल कर गंदगी फैलाने के मास्टर माइंड बन गए। हमने देखा कि आपने जो है वहाँ पे मास्क गिरा दिया और उसको उठाया नहीं। ये जो कॉरिडोर पूरा बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया था कि आप लोग घूम सको, पर मैम आपने इस तरीके से मास्क गिरा के मतलब गंदगी क्यों फैलाई? मैम मैंने नहीं गिराया, बच्चे गिरा दिया हमने। ध्यान तो रखना चाहिए क्योंकि ये कॉरिडोर आपके लिए खोला गया है। तो मैंने देखा, आपको पता है चालान कटता है यहाँ? वो जानते, मतलब बच्चा के जेबी से गिर गया धोखा से। चलिए ठीक है मैम, आगे से ध्यान रखिएगा। सर हमने देखा भाई आपने यहाँ पर थूक दिया, सर ऐसा क्यों किया आपने? I'm sorry, ma'am. नहीं सर, ये आपके ब्यूटिफिकेशन के लिए इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है। पर सर आप इस तरीके से गंदगी फैला रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? I'm sorry, ma'am. It was all of sudden, it was by mistake. Okay. Please, ma'am. सर आगे से ध्यान रखना आप। Definitely, ma'am. Definitely. लोग अपने पूरे परिवार के साथ कर्तव्य पथ की खूबसूरती निहारने आए, लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए। कर्तव्य पथ की खूबसूरती पर गुटखे की पीक का दाग देखिए, खुले पड़े कूड़ेदान देखिए, कूड़ेदान पर थूक के निशान देखिए, ये सभ्य सैलानी की निशानी कतई नहीं है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के जरिए किस तरह की यहाँ पर भीड़ आई है। यहाँ पर जितनी भी भीड़ आई इसमें से ज्यादातर तो लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर निकलने के बाद साफ सफाई और स्वच्छता को ध्यान में बिना रखे यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारी टीम जब यहाँ पर पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो रास्ते पर कहीं पर भी थूक दे रहे थे या फिर चलते चलते जो भी खाने पीने की चीजें उनके हाथ में थी वो जमीन पर गिरा कर निकल जा रहे थे। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ को देश के लोगों को समर्पित किया था। तब बड़े गर्व से उन्होंने कहा था कि देश को गुलामी के एक और प्रतीक से मुक्ति मिल गई। लेकिन पीएम मोदी ये कहना भूल गए कि कुछ नागरिकों को अब भी गंदगी फैलाने वाली मानसिकता से मुक्त हो जाना चाहिए। अभी तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई डस्टबिन भी नहीं है, एक तो ये कारण भी है। नहीं, बहुत कम है, जितने लोग हैं उस हिसाब से बहुत कम है, और लोगों को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि मेरा इंडिया है तो हमें ही क्लीन करना है। अब जब लोग सोचेंगे कि मुझे ही क्लीन करना है, अपना घर साफ रखना है, तो ही लोग क्लीन कर पाएंगे, अदरवाइज तो मतलब कुछ होगा नहीं। इसलिए हम बार बार आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप अपने कर्तव्य को पहचानिए, क्योंकि अगर इसका नाम बदल के रख भी दिया गया तो भी शायद अगर आप अपने कर्तव्यों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो ऐसी गंदगी फैलाते रहेंगे।